नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने, वहीं सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया झंडोत्तोलन। रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। बिहार यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की जारी हुई अधिसूचना। बिहार में तेजी से घट रहे कोरोना के मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग ने की खास अपील। पद्मश्री से नवाजे जाएंगे अर्थशास्त्री शोभाल गुप्ता। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। परीक्षार्थियों के द्वारा लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी श्रेणी एक की परीक्षा स्थगित कर दी है। रेलवे ने प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। ये समिति विरोधी छात्रों की आपत्तियां सुनेगी और इन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थी पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये विरोध तब और बढ़ गया जब रेलवे ने सोमवार को ग्रुप डी भर्ती में सीबीटी 2 चरणों में लेने की घोषणा की थी। गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने, वहीं सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया झंडोत्तोलन। आज बिहार समेत देशभर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं बिहार की बात करें तो राजधानी पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने झंडोत्तोलन किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही झंडोत्तोलन कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। इस दौरान राज्यपाल फागू चौहान ने संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर देश और प्रदेश में फैल रहे कोरोना महामारी पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार कोविड-19 की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अपने आवास पर तिरंगा लहराया गया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी। उन्होंने भी इस दौरान बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पटना के पूर्व एसएसपी गरिमा मलिक और उपेंद्र शर्मा को हाईकोर्ट ने किया तलब। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के नाम पर अंतरिम जमानत पर रहा अभियुक्त के फरार हो जाने के मामले पर बीते दिन पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इतना ही नहीं, इसको लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से पटना के पूर्व एसएसपी गरिमा मलिक और उपेंद्र शर्मा को तलब किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में गरिमा मलिक सीआईडी में डीआईजी के पद पर कार्यरत है, जबकि उपेंद्र शर्मा डीआईजी के पद पर कार्यरत अभी फिलहाल है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यदि कोर्ट फिजिकल मोड में शुरू नहीं होता है तो उक्त सभी अधिकारी याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर उनके द्वारा किए गए प्रयास के संबंध में हलफनामा को लेकर ऑनलाइन उपस्थित रहेंगे। बिहार यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की जारी हुई अधिसूचना। करीब 1 साल से भौतिकी और गणित विभाग में अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला अटके होने के बाद बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के भौतिकी विभागाध्यक्ष डॉ ललन झा बनाए गए हैं। वहीं कॉमर्स विभागाध्यक्ष डॉ आले मुज्तबा और गणित विभागाध्यक्ष डॉ राजेश्वर प्रसाद यादव को बनाया गया है, जिनकी जानकारी कुलसचिव डॉ आरके ठाकुर ने मंगलवार को दी है। कुलसचिव की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 3 वर्ष के लिए तीनों अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। भौतिकी के नव नियुक्त विभागाध्यक्ष डॉ ललन झा ने बताया कि गुरुवार को वो विभाग में अध्यक्ष पद पर योगदान देंगे। भौतिकी के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास करेंगे। बिहार में तेजी से घट रहे कोरोना के मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग ने की खास अपील। बिहार में बीते कुछ दिनों से कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अब सभी लोगों से खास अपील की है, जिसके तहत मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से अपील की है कि लोग अब ज्यादा सावधानी बरते। लगातार मामले तभी कम होते जाएंगे जब लोग कोविड गाइडलाइन के अनुरूप व्यवहार करेंगे। संजय कुमार ने बताया है कि कोविड की तीसरी लहर में संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़े थे। तीसरी लहर में बिहार की संक्रमण दर 3.5% से ज्यादा, जबकि पटना की संक्रमण दर 23% से ज्यादा हो गई थी। बिहार में अब तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर कसेगा शिकंजा। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वालों पर अब बिहार में लगाम लगने वाला है, क्योंकि बिहार पुलिस इंटरसेप्टर गाड़ियों से लैस होने जा रही है। गाड़ियों की खरीद तो पिछले साल ही कर ली गई थी, लेकिन इसके लिए इंटरसेप्टर का ऑर्डर अब जाकर के दिया गया है। जल्द ही ट्रैफिक पुलिस को कैमरे से लैस स्पीड गन और अन्य साजो सामान मिल जाएंगे। इसके बाद गाड़ियों के जरिए ही तेज रफ्तार गाड़ियों पर नजर रखी जा सकेगी। जानकारों की माने तो सड़क हादसों का अहम कारण तय सीमा से अधिक रफ्तार में गाड़ियों का चलाना ही होता है। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार को मापने के लिए स्पीड गन का इस्तेमाल किया जाता है, जो ट्रैफिक पुलिस के पास कुछ मात्रा में मौजूद है। इसके अलावा इंटरसेप्टर वाली कार भी अगर आ जाती है, जिसकी मदद से गाड़ियों की रफ्तार आसानी से मापी जा सकेगी और आने वाले समय में सड़कों पर होने वाले हादसों में कमी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पूरे बिहार में लागू होगा कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम। बिहार सरकार द्वारा संचालित महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत राज्य के 9 जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम का आयोजन करवाया जा रहा है। लेकिन अब इससे योजना को पूरे बिहार में लागू करने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन जानकारी साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने बाकी बचे 29 जिलों में भी इस कार्यक्रम को चलाने के लिए संस्था प्रथम के साथ करार करने का निर्देश जन शिक्षा निदेशालय को जारी कर दिया है।
बिहार सहित कई जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात, आज से गिरेगा न्यूनतम पारा। पटना सहित सूबे में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव खत्म होता नजर आ रहा है, जिसके कारण ही राज्य में फिर से पछुआ हवा का प्रसार शुरू हो गया है। पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके कारण 26 जनवरी से मौसम शुष्क रहने और ठंड पड़ने के आसार जताए गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 से 3 दिनों तक पटना समेत राज्यभर में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि मौसम साफ होने की वजह से अगले 24 से 48 घंटे में न्यूनतम पारे में 3 से 5 डिग्री तक कमी आने की संभावना जरूर जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो न्यूनतम पारे में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आ सकती है, जिससे ठंड और कनकनी और ज्यादा बढ़ने वाली है। 28 और 29 को ज्यादा ठंड रहने की संभावना जताई गई है। केंद्र में अब तक नहीं मिला 1.5 करोड़ लाभुकों के लिए बिहार में अनाज। केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद राज्य के 1.5 करोड़ लाभुकों के लिए अब तक अनाज नहीं मिल पाया है। जनसंख्या बढ़ने के कारण राज्य सरकार ने बीते दिन ही इसका दावा किया है। अब तक राज्य को पुरानी जनगणना के अनुसार 8.71 लाख लाभुकों के लिए अनाज मिल गया है। इसी बीच राज्य के 1.5 लाख लाभुकों का नाम फिर से पोश मशीन से हटा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लाभुकों का आधार कार्ड गलत था। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड का समय एक बार फिर से बढ़ाते हुए 31 मार्च तक कर दिया है। निदेशालय के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10.38 करोड़ है, और जो कि बढ़कर 12.30 करोड़ होने का अनुमान है। इस हिसाब से 10.31 करोड़ लाभुकों को अनाज देने की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन केंद्र नियमों का हवाला देकर इस मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है। पद्मश्री से नवाजे जाएंगे अर्थशास्त्री शोभाल गुप्ता। आज देशभर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साल 2022 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजे जाने वाले सभी लोगों की लिस्ट बीती शाम ही जारी कर दी थी। बिहार के लिए खुशी की बात यह है कि इस बार 2 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने के लिए नामांकित किया गया है, जिसमें से एक है सोशल वर्कर आचार्य चंदन जी और दूसरे है मशहूर अर्थशास्त्री शोभाल गुप्ता, जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से नवाजा जाएगा। इधर अवार्डियों की घोषणा होने के बाद बिहार में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट खुशी जाहिर की है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि बिहार में सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आचार्य चंदन जी और मरणोपरांत स्वर्गीय शोभाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। मेरे लिए यह प्रसन्नता का विषय और बिहार गौरवान्वित है। राबड़ी आवास में धूमधाम से मना गणतंत्र दिवस। भले ही इस बार नए साल के मौके पर और मकर संक्रांति के मौके पर राबड़ी आवास में शांति देखने को मिली, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर खूब सारा जश्न देखने को मिला, क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर राबड़ी आवास में तेज प्रताप यादव ने झंडोत्तोलन किया। राबड़ी आवास में सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर पहुंचे तेज प्रताप ने सबसे पहले यहां ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद यहां मौजूद लोगों को उन्होंने मिठाई बांटकर राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। तेज प्रताप ने इस दौरान बिहार के सभी नागरिकों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में राजद और तेज प्रताप के छात्र संगठन से जुड़े लोग राबड़ी आवास पहुंचे थे, जिनके साथ तेज प्रताप ने इस दिन की खुशियों को शेयर किया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। राम मंदिर विरोधी कांग्रेस का यूपी में सुपड़ा साफ होना तय। अगले महीने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है, हालांकि बिहार में अभी से ही जिसकी सरगर्मी तेज हो गई है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच अब राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रह चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व सांसद कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े किए हैं और हाल ही में उस सलमान खुर्शीद का साथ दिया है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संतों की तुलना आईएसआईएस और तालिबान से की थी। यही कारण है कि यूपी के 15 करोड़ मतदाता कांग्रेस को उसके राजनीतिक अपराध की सजा देने का मन बना चुके हैं। नमो ऐप पर पीएम के संबोधन से अवगत हुए पटना भाजपा कार्यालय में कई कार्यकर्ता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन किया, जो कि उन्होंने नमो ऐप पर किया। इसको लेकर पटना भाजपा कार्यालय में भी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित पार्टी के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना, जिसके बाद ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता को डोनेशन करने का अनुरोध दिया गया है। पीएम ने 5 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक डोनेशन करने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने पार्टी में पारदर्शिता बनाए रखने की भी अपील की है। देशभर में कोविड-19 के मामलों में फिर से दिखी उछाल। देशभर में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार देशभर में पिछले 24 घंटे में 2,85,914 नए केस दर्ज किए गए। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 163.58 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। देश में एक्टिव केस वर्तमान में 22,23,018 है। रिकवरी रेट वर्तमान में 93.23% है। पिछले 24 घंटे में 2,99,073 लोग ठीक हुए हैं। अब ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 3,73,70,971 हो गई है। युवराज सिंह बने पिता, घर आया नन्ना मेहमान।
भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के घर नन्ना मेहमान आया है। युवराज सिंह के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। युवराज सिंह की पत्नी हेजल ने बेटे को जन्म दिया है। ये सूचना खुद युवराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है। युवराज सिंह ने अपने बेटे की कोई तस्वीर हालांकि साझा नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त और रिश्तेदार और फैंस के लिए संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने सभी प्रशंसकों, परिवार और दोस्तों के लिए हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भगवान ने हमें एक बेटे के तौर पर आशीर्वाद दिया है। हम इस आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि आप हमारी निजता का सम्मान करें, क्योंकि हम दुनिया में नन्हे मुन्नों का स्वागत करते हैं। लव, हेजल और युवराज। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरभ रॉय, हिमांशु कुमार, मुकेश कुमार, राजेश कुमार, लक्ष्मण कुमार, परवेज आलम, मंतोष राज, अजीत कुमार, पोरस, विवेक कुमार, सौरभ मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा के बीच की दूरी का असर बिहार में भी देखने को मिलेगा या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।